इचालो हाँ ठीक वो क्या करते हैं अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा। हमने पिछले 10-12 हमारा जो लेक्चर हुआ 10 स्टेट ऑफ गॉड गॉड स्पीच के अंदर में जो 9th चैप्टर है उसके ऊपर में हमारा 17-18 कुछ लेक्चर हो गए थे और आज से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर शुरू से गॉड स्पीक्स में जितना शुरुआत है वो करेंगे। उसके पहले गॉड स्पीक्स के बारे में मेहर बाबा ने क्या कहा था और उसके साथ साथ अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट के एक्स चेयरमैन भाऊ कलचूरी उन्होंने क्या कहा क्या बताया इस गॉड स्पीक्स के बारे में उसका क्या महत्व है वो एक 5-10 मिनट के बाद में फिर अपना रेगुलर जो प्रोग्राम है वो हम चालू करेंगे। तो वो कहते हैं भाऊ कलचरू जी कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसके अंदर में परमात्मा की मौन स्थिति कौन सी है परमात्मा की मौन स्थिति ये परमात्मा की मौन स्थिति है। ये ऊपर का जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा क्या है रियलिटी ट्रूथ गॉड परमात्मा जिसको हम कहते हैं और ओरिजिनली ये परमात्मा की मूल स्थिति कैसी है साइलेंस मौन जैसे हम लोग अपने गहरी नींद के अंदर में कैसे रहते हैं बस वैसी ही स्थिति वो परमात्मा की है ओरिजिनल स्टेट ऑफ गॉड जिसको बाबा बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड कहते हैं। हमारे वेदांता के अंदर में उसको परात्पर परब्रह्म की अवस्था कहते हैं और इस मौन स्थिति से ही बाकी की सारी उत्पत्ति यहीं से हुई है। ये हमारा ओम पॉइंट है यहाँ से पूरी उत्पत्ति होते हुए यह अनकॉन्शियस परमात्मा जो है वह पहले बनता है कॉन्शियस मैन ह्यूमन बीइंग। हम लोग सब कॉन्शियस है हमारे इसके पहले जितनी भी स्थितियाँ हैं पशु पक्षी मत्स्य ये सब अनकॉन्शियस स्टेट वाले हैं पर हम लोग कैसे हैं मानव कॉन्शियस है तो परमात्मा पहले कॉन्शियस मैन बनता है और उसके बाद में परमात्मा कॉन्शियस गॉड बनता है मतलब अनकॉन्शियस परमात्मा को कॉन्शियस गॉड बनना है। और ये जो प्रवाह जो है यहाँ से और यहाँ से जितने भी आत्मे जीवात्मे गुजरते हैं इस स्टेट में से वह क्रमशः यहाँ से जितने भी निकले वो सारे के सारे ध्वनि प्राप्त करते हैं। यहाँ से बाहर आ गए ध्वनि चालू हो गया हमारे अपने साउंड स्लीप में कोई ध्वनि नहीं है कोई आवाज़ नहीं है कोई साउंड नहीं है कुछ नहीं नथिंग उससे बाहर आ गए कि सारा साउंड चालू हो गया और अंत में ये प्रवाह जो है इसमें से जितना भी प्रवाह जाता है वो सारा का सारा साइलेंस के अंदर में नहीं है उसमें कुछ ना कुछ तो भी ध्वनि जो है वो प्राप्त करते हुए और ऐसे अंत में प्रवाह को बहने वाली बूंदे ध्वनि को निरर्थक जानकर जितने भी आत्मा यहाँ पे आत्माएं जो है वो जितना अपने को अगर ज़्यादा अगर भोंगा लगा तो अपने को सहन नहीं होता है वो निरर्थक लगता है ऐसा लगता है इसको बंद करो शांति चाहिए पर ये सारे यहाँ तक जितने भी माया के अंदर में जितनी सृष्टि है उसके अंदर में सारे के सारे इसमें ध्वनि है और यह आत्मा इस ध्वनि के साथ में जीता है युगों युगों तक वही जी रहा है पर अल्टीमेटली उसको आता है कंटाला और वह ध्वनि को बाद में ये निरर्थक ही है अपना ध्वनि जो है वो निरर्थक ही है। दिन भरे में कुछ खास कुछ परमात्मा प्राप्ति के लिए अगर हम कुछ प्रयत्न करते होंगे तो ठीक है और अदरवाइज ये ध्वनि कैसे है ये सबको मालूम है अभी उसको हम लोग दोहराएंगे नहीं। और इसीलिए हर आत्मा हर जीवात्मा अल्टीमेटली इस मौन के तरफ में ही मुड़ता है। हम डेली उस स्थिति में जाने के लिए हम लोग तड़पते हैं क्योंकि वहाँ पे साइलेंस है मौन है वहाँ पे और वो हमको चाहिए। दिन भर हम ये जो ध्वनि है ये उसको हम नहीं सुन सकते इम्पॉसिबल एक दिन दो दिन चार दिन पर कंटिन्यूसली इम्पॉसिबल और इसीलिए
ये ध्वनि से मुक्त होकर मौन में वो अपना जो आत्मा जो है वो मौन के अंदर में समा जाती है, जहां निरंतर क्या है वहां पे निरंतर परमानंद है, निरर्थक निरंतर वहां पे ब्लिस है, परमानंद है। इस परमानंद की खोज के लिए ही हमारा अपना यह मानव ध्येय है और इसीलिए हम जीवात्मा है। ये भाव कलचुरी ने अपने इंट्रोडक्शन में जो उन्होंने दिया लेटर लिखा था, जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है कुछ किया उनको लिखा था, तो ये उन्होंने ये कहा है। बाबा इस ग्रंथ के बारे में क्या कहते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि इस ग्रंथ का अनुवाद या भाषांतर सब भाषाओं में किया जाए और मेरी प्रत्येक और मेरा प्रत्येक प्रेमी इसको अवश्य पढ़े। अगर पढ़ नहीं सकता है तो कम से कम सुनो उसको, कोई पढ़ता है तो सुनो कोई भी लैंग्वेज में, और इसे आप समझो या ना समझो पर इसको पढ़ो कम से कम। और किंतु इसे पढ़े, किंतु मैं चाहता हूँ कि इसे आपको पढ़ना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। ये पूरा ग्रंथ जो है आपको पढ़ना है, सुनना है। अगर नहीं घर पढ़ सकते हो तो यहाँ बैठ के कम से कम जीरफ जितना पूरा अभी हम लोग पूरा करेंगे तो कम से कम उसको सुनो, बाबा बोलते हैं। और इसको भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रकाशित करना यह हमारा कर्तव्य है। सबको उन्होंने समझा के बताया कि आप इसको ट्रांसलेट करो, वर्ल्ड में जितनी भाषा है, फ्रेंच, इंग्लैंड, जर्मन, चाइनीज, ये वो जितनी भी भाषा होगी उसमें सब, और हो रहा है और हुआ है बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। यह हम सबका कर्तव्य है और यदि हम यह कर्तव्य का पालन करते हैं तो प्रियतम बाबा की इच्छा का हम अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं। और इसीलिए फिर बाबा ये कहते हैं कि देखो, बाबा ने कहा कि ये जो जिन्होंने इसको एडिटिंग किया और पब्लिश किया उनका उन्होंने ये कहा है, पर वो कहते हैं कि अवतार मेहर बाबा का, बाबा खुद कहते हैं मेरा राजनीति से कोई लगाव नहीं है, सब धर्म मेरे लिए बराबर है, मैं किसी धर्म जाति पंथ का नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ। जाति धर्म पंथ यह जो निर्माण किए हैं उसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके द्वारा आपको परमात्मा की खोज करने में आपको एनर्जी मिलती है वो पढ़ने से। और हम लोग ये सोचते हैं कि हमको इसके द्वारा हमको परमात्मा अपना सद्गुरु या अवतार के दर्शन हो और हम लोग अपने सद्गुरु को या अपने गुरु को ढूंढे, इसी यही उसका उद्देश्य है। और इसीलिए मेरे लिए ये सभी बराबर है, बाबा मेरे लिए ये सब बराबर है और मैं सब जातियों और सभी मत और जातियों को लिए ये मेरे लिए प्रिय है। सब जाति धर्म पंथ जितने भी है जितने वो सब मेरे लिए प्रिय है, परंतु इतना होने के बावजूद भी मैं सभी वादों धर्मों और राजनीतिक दलों की कद्र करता हूँ। बोलता है जितने भी ये सांप्रदायिक धर्म है, पंथ है या पॉलिटिकल लीडर है, ये कोई ना कोई तो भी साध्य करने के लिए इन्होंने ये सब बनाए हुए हैं। आध्यात्मिक अगर है तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, दर्शन के लिए, परमात्मा के प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। पॉलिटिकल लीडर भी है फिर भी वो कोई ना कोई तो भी इसको ये दो उसको वो दो कुछ ना कुछ तो भी देते रहते, उनका जो उद्देश्य है वो चालू रहता है। और इसीलिए बावलते मैं इन सब की कद्र करता हूँ, देर इज नो डाउट, परंतु अनेक क्योंकि अनेक अच्छी बातों के लिए जो मानव जाति को प्राप्त हो सके उसके लिए ये जो लोग हैं ये हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। खैर उसका परसेंटेज 10% होगा, बाकी नहीं करते वो बात अलग है, परंतु उसमें सभी बुरे थोड़ी है, कुछ ना कोई अच्छे भी है, वो अच्छे भी कार्य करते हैं, सोशल वर्कर है वो भी अच्छे कार्य करते हैं, कि काफ़ी लोग हैं जो अपनी संस्था के लिए काम करते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए पर फिर भी वो काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं ऐसे कुछ नहीं है।
फिर भी मैं अखंड सत्य प्राप्त करने के लिए इन वादों, धार्मिक अथवा राजनीतिक दलों का मैं नहीं हूँ। ये सब अच्छे हैं, मेरे हैं, मेरे से निर्माण हुए, मैं इनका आदर करता हूँ क्योंकि उनका कार्य अच्छा है, सब कुछ है, पर मैं इससे बंधा नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ और ना मैं उन सब का हो सकता हूँ। जबकि ये जो सत्य जो है, जो ट्रूथ जो है, जो रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, सत्य जिसको बोलते हैं, ये सब उन धर्मों में भी है, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी है, उनके संगठनों में भी है, सत्य सभी इसमें है। उसका उपयोग आप कैसे करते हो, उसको कैसा मोल्ड करते हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। और इसीलिए यह सत्य सबको समान रूप से अपने में वो प्रविष्ट कर लेता है। यह सत्य जो है वो सबको प्रविष्ट कर लेता है, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी आपने किया है वो सब उसमें प्रविष्ट हो जाता है। सत्य के अंदर में, सत्य के अंदर में एवरीथिंग भी है, नथिंग भी है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वो दोनों है उसके अंदर में, एवरीथिंग एंड नथिंग। सत्य के अंदर में अच्छा और बुरा दोनों भी है, वो सत्य सब अपने में प्रविष्ट कर लेता है और उनको वो उसके परे भी है, ट्रांसेंड मतलब उसके उसको लांघ जाता है और इसके अंदर में पृथककारी खंडों का कोई गुंजाइश नहीं है कि वो उसका डिवीजन नहीं हो सकता है। परमात्मा कैसे है, अद्वितीय, अतुलनीय, अविभाज्य, सब सब कुछ है, उसका डिवीजन नहीं हो सकता है सत्य का। पर जब ही हम माया के अंदर में आते हैं तो ये सारे डिवीजन निर्माण हो जाते हैं। इसके बावजूद भी डिवीजन हो भी गए पर फिर भी सत्य उसमें भी है, बहुत है, सत्य उसी में भी है। सारे कार्यकर्ताओं के अंदर में सत्य है, सर्व धर्म के लोगों में सत्य, सत्य सभी में है। उसका आप कैसे उपयोग करते हो उसके ऊपर में, अच्छा या बुरा जो भी है। और इसीलिए ये जितना भी यहाँ पे दिखाया गया है सर्वस्व माया के अंदर में, बाबा वो कह रहे हैं कि ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना नीचे में दिखाया हुआ है सर्वस्व माया, इसके अंदर में ये सब कुछ आया। ऊपर में जो दिखाया है वो है रियलिटी, ट्रूथ, सत्य, सेल्फ, परमात्मा जो इसको कहते हैं, ऊपर वाले इसमें, नीचे वाले इसमें है। पर इतना भी है पर फिर भी ये सारा का सारा उसी सत्य के अंदर में है। सत्य से और कुछ बाहर नहीं है। सत्य मीन्स इनफाइनाइट महासागर, शोरलेस महासागर है कि उसको कोई किनारा नहीं है, बिना किनारे का वो महासागर है। और महासागर के अंदर में सब कुछ है, ऐसे कौन सी चीज़ है उसमें नहीं है। सारा ब्रह्मांड जितना भी होता है वो सब महासागर में जाता है, कचरा कुचरा जितना भी है सब महासागर में जाता है। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि यह समस्त कल्पनीय मतभेदों के बावजूद इसके अंदर में, इस माया के अंदर में, इस सर्वस्व के अंदर में अनेक मतभेद है। कोई अच्छा है, बुरा है, कुछ है, सारी दुनिया चल रही है, चल युगों युगों से यह सब कुछ चल रहा है। पर इसके बावजूद भी, इस मतभेदों के बावजूद भी यह सत्य जो है इसका डिवीजन नहीं हो सकता, इट रिमेंस एज इट इज़। और उस सत्य को डेली हम अनकॉन्शियसली हम अपने नींद के अंदर में हम उसको अनुभव करते हैं, पर ये सत्य है इसका हमको कॉन्शियस नहीं है, हमको उसकी जानियो नहीं है कि ये सत्य है। बाबा बोलते हैं कि ये जितना जितना भी कुछ है, सारे धर्म ग्रंथ यों त्यों, पॉलिटिकल यों त्यों जितने भी हैं, इनको अपना काम करने दो। वो अपना काम कर रहे हैं, मेरी नज़र उनके ऊपर में है। तुमको क्या करना है, समझाना है तो उनको समझाओ प्रेम से, नहीं तो मत समझाओ, पर उनके लपड़े में मत पड़ो, उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। मेरे वहाँ क्या होते ये सारे धर्म पंथ यूं त्यों जो है वो मेरे को सब प्रिय है, वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिसे करते हैं करने दो, तुमको क्या करना है वो उन्होंने बताया। मेरा नाम मानव जाति तक पहुंचाने का कार्य मैंने आपको दिया है इस युग के अंदर में, मालूम नहीं अगले लाखों जन्म में हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चांस हमको मिला है, आपको वो कार्य करना है बाबा।
किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें कोई लेना देना नहीं है कौन क्या करता है, ये करता है वो करता है, हमें से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यह जो दुनिया जो है यहाँ की, ये ध्वनि, इसके अंदर में ध्वनि ही ध्वनि है। और बाबा ने 44 साल तक मौन रखे है, ये बता दिया कि आपको साइलेंस रहना है, जितना जरूरी है उतना बोलो, नहीं है तो छोड़ दो, काय के लिए बोलूंगा। क्योंकि ये सारा प्रदूषण जो है ध्वनि का, इससे हम लोग एक दिन कंटाल जाते हैं और हम अपने आंतरिक प्रवास के लिए मुड़ते हैं, और यहीं हमको अल्टीमेटली जाना है। कोई आज जाएगा, कोई 10,000 जन्म के बाद जाएगा, कोई 1,00,000 जन्म के बाद जाएगा, मालूम नहीं कौन कभी जाएगा। तो इसीलिए बाबा का ये कहना था कि ये किताब जो है वो कितनी महत्व की है, इम्पॉर्टेंट है। वो उन्होंने बताया कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, पर आपको गॉड स्पीक्स का अध्ययन करने के बाद, अनेक लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि ऐसी कृति केवल पुरुष से निकलेगी जिसने सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ली है। अगर हमने पढ़ लिया तो अपना मन इतना शांत प्रसन्न हो जाता है कि अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन अभी शांत हो गया। पर वो मन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या वो फिर से अपना रंग दिखाना चालू कर देता है, क्योंकि वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो कभी बैठता ही नहीं है चुपचाप। वो यहाँ हाथ मारो, वहाँ हाथ मारो, ये करो वो करो, दुनिया भर का चालू ना चालू, कुछ ना कुछ तो भी चालू ही रहता है उसका। तो ये पढ़ने के बाद में आपको ऐसे लगेगा कि अभी मुझे परमात्मा का ज्ञान हो गया। पर भावती, ये ज्ञान जो तुम्हारा है, ये ज्ञान भौतिक नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल ही नॉलेज है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। अभी आपने यहाँ पे इंटरनल जर्नी के लिए, आपने इंटरनल जर्नी के लिए आप तैयार नहीं हुए हैं, और इसीलिए आध्यात्मिक स्थिति आप प्राप्त कर ली, ऐसा अपना मन कहता है कि अभी हमने वो आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ली। अभी दिल्ली दूर है, अभी पढ़ने से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए यह ज़्यादा अच्छा होगा कि हम कोई फैसला करने के पहले प्रतीक्षा करें और देखें कि पूरा पढ़ना ये हो गया, उसके बाद में इसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट वही आता है कि वो जो मन है वो फिर से अपने जगह के ऊपर में फिर से आ गया। कुछ महीना 2 महीने के लिए ठीक ठाक था, पर फिर भी वो अपने इसमें आ गया, क्योंकि वो शांत नहीं बैठता है कभी, उसको कुछ ना कुछ तो भी फूड चाहिए, फूड खाद्य चाहिए। और सबसे बढ़िया खाद्य अगर उसको कोई होगा तो वो है सद्गुरु और अवतार के वचन। सद्गुरु और अवतार जो है, उन्होंने जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी लिखा है, या जो कुछ भी होगा, उसका पढ़न करो, उसका मनन करो, चिंतन करो, अपने खुद उसको आचरण में लाओ और फिर लोगों को बताओ, यह सेवा करो। ऐसा मेहर बाबा कहते हैं कि पहले आप उसको ग्रहण करो, समझो, तुम्हारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उसको बताओ। तुम सबसे बड़ी सेवा वही है सद्गुरु की, कि अपने सद्गुरु का जो महिमा है वो लोगों को बताना, इसके सिवा दूसरी बड़ी सेवा और कोई नहीं है। ठीक है, हमारे पास में बहुत पैसा है तो हम लोगों को अनाज देंगे, कपड़े देंगे, घर बांध के देंगे, ठीक है, वो भी सेवा ही है, नो डाउट। पर सबसे महत्व की सेवा कोई होगी तो अपने गुरु ने दिया हुआ जो वचन है उसको पालन करो और लोगों को वो बताओ। और इसीलिए जब आवश्यकता बहुत होती है, अवतार का अवतरण और उसके शब्दों की मान्यता सृष्टि की आवश्यकताओं के कारण होती है। जब भी आज की परिस्थिति कैसी है, मेहर बाबा का ये अवतार कभी हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अभी और चालू है, तीसरा होता है कि नहीं मालूम नहीं, मतलब एक अवतार पीरियड के अंदर में 3-3 वार हो रहे हैं, सारे जगह अंधाधुंधी है, किसको क्या करने का है कोई समझ में नहीं आएगा,
और ऐसे वक्त में अगर अवतार नहीं आएंगे तो फिर अवतार का महत्व क्या रहेगा। और इसीलिए आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ली है, इसीलिए यह ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग ये होगा अवतार का अवतरण, उसके शब्दों की मान्यता जब आवश्यकता बहुत होती है तभी आते हैं। इसीलिए जो मेहर बाबा ने बताया है उसकी आवश्यकता आज जास्त ज़्यादा है, और अदरवाइज वो क्यों आएंगे। और इसीलिए उसका शब्द माना जाता है, जो जो उस युग के अंदर में गीता के शब्द माने गए हैं, रामायण के शब्द माने गए हैं, गौतम बुद्ध के शब्द माने गए, हर अवतार कार्य में उनका उनका जो जो उन्होंने बताया है, उनका जो टीचिंग है उसके ऊपर में उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये भी लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं होता है। 7000 साल हो गए, 8000 साल हो गए, फिर भी हम लोग रामायण महाभारत पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो उनके ओरिजिनल शब्द है। अब उसमें छोटा मोटा इधर हुआ होगा वो बात अलग है, पर इसीलिए क्योंकि केवल यही चीज ऐसी है कि जो अपने हार्ट को संतुष्ट करती है, मन को नहीं। और इसीलिए जब भी हमारा हार्ट संतुष्ट हो जाता है तभी हम उसको स्वीकार करते हैं, फिर वो सद्गुरु हो, अवतार हो, जो भी हो, या अपना गुरु हो, तभी अपने को लगता है कि नहीं ये जो चीज़ है इन्होंने बताई है ये सबसे बढ़िया है। इसको मैं अभी यही समाप्त करता हूँ। अवतार मेहर बाबा का जो नहीं अभी तो आगे चालू है, ये जो इंट्रोडक्शन जो था जो बता रहे थे कि अभी चैप्टर नंबर 1 अवतार मेहर बाबा का जो शुरुआती से हमको चालू करना था चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर में अभी बाबा क्या बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं। स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पहला जो चैप्टर है, चेतना की स्थिति है, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना की स्थिति है। तो बाबा इसमें कहते हैं ऑल सोल्स वेयर आर एंड विल बी इन दी ओवर सोल। ओवर सोल मतलब परमात्मा, सोल्स मतलब आत्मा, दे आर ऑल वन। यह जितने भी आत्मा है ये ओवर सोल है, ओवर सोल मीन्स परमात्मा, जितने भी आत्माएं हैं वो सारी की सारी परमात्मा के अंदर ही है। परमात्मा मतलब अनंत महासागर की जिसको कोई किनारा नहीं है, श्योरलेस ओशन, इसका बाबा इस प्रकार से समझाते हैं। और ऑल सोल्स आर इनफाइनाइट एंड इटर्नल, दे आर फॉर्मलेस। ये इसके अंदर में जितने भी अभी उन आत्माओं ने अपना प्रवास शुरू नहीं किया ऐसे स्थिति का वर्णन बाबा कर रहे हैं। All souls are infinite and eternal and they are all formless. Original state में हमको ये अनुभव है, जब भी हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तभी हमको ये मालूम नहीं रहता है कि हमको कौन सा फॉर्म है। वो पशु पक्षी हो मत्स्य हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, किसी को मालूम नहीं होता है कि हमारे ओरिजिनल स्टेट के अंदर में हमारा फॉर्म कौन सा है। हम उस वक्त हम फॉर्मलेस है, नो फॉर्म। जब उनसे बाहर आते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि हम ये है वो है, हमारा ये फॉर्म है वो फॉर्म है, हम स्त्री है पुरुष है जो भी है सत्य। और इसीलिए और जब तक ये सारे के सारे सोल्स जो है जब तक ये महासागर में है, परमात्मा में है, तभी यह सारी आत्माएं एक ही है, दो नहीं है, वन। इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी आत्मा, इनकी सब आत्माएं एक है, दो नहीं है। दो कब बन जाती है? जब ये यहाँ से इधर आते हैं तो दो हो गए, जब ये माया के अंदर में आ गए
जब ये भ्रम के अंदर में आ गए, इल्यूजन में आ गए, तो वो दो हो गए। पर जब तक वो यहाँ पे है वो एक ही है। महासागर का हर ड्रॉप, वो जब तक महासागर में है तो वो ड्रॉप ही है, उसको दूसरा कोई नाम नहीं है। जला अपन जिसे मराठी में अपन तो थेम्ब, ड्रॉप थेम्ब, वो एक ही है। पर अपने सब में एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, फिर भी हमारे सबके चेहरे अलग है, हमारे सबके रंग अलग 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 है, हमारा सबका हाइट अलग अलग है, सब कुछ हमारा अलग है। पूरे कोई काला है, गोरा है, कुछ कहे कुछ है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में अगर देखो तो यही परिस्थिति है, पर हम एक है, पर इसका हमें अनुभव नहीं है। और इसीलिए ये सब आत्माएं एक है, और इसीलिए इन आत्माओं की अस्तित्व में कोई चेंज नहीं है। मतलब वो कहते हैं द सोल्स आर वन, देर इज नो डिफरेंस इन द सोल्स, कोई उसमें फर्क नहीं है कि इसका सोल अच्छा है या प्योर है या इम्प्योर है। ये सोल ना कभी प्योर था, सोल ये हमेशा ही प्योर है, वो कभी इम्प्योर हुआ ही नहीं है। इस चेतना के वजह से उसका जो चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस ये सोल को ये अनुभव देती है कि आप पाषाण हो, वनस्पति हो, कीटक हो, मत्स्य, पक्षी, पशु, मानव, साधु, योगी, महात्मा, महायोगी, वली, पीर, और उसके बाद में आप शिवात्मा हो। यह चेतना के वजह से वो आत्मा को, आत्मा ये सोचता है कि मैं मत्स्य हूँ, पर वैसे देखा जाए तो वो उसके अंदर में कोई फर्क नहीं, वो जैसा है वैसा ही है। ऑल सोल्स आर वन, देर इज नो डिफरेंस इन द सोल्स एंड देयर बीइंग एंड एग्जिस्टेंस एज ए सोल। उनका अपना अस्तित्व जो है उस सोल का ही अस्तित्व है, उसके अस्तित्व में भी कोई फर्क नहीं है। फिर बाबा ने वही क्वेश्चन पूछा बाद में कि ये सब एक है, ये है, वो है, सब कुछ है, तो हमारे सामने में फिर ये अलग अलग क्यों है, वाय। अब उन्होंने इतना गॉड स्पीक लिखा है तो उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो आगे बोलते हैं कि देयर इज ए डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल्स। ये जो आत्मा जो है, इसकी चेतना जो है, इसमें बदल है। मतलब यह धातु और पाषाण की चेतना अलग है, वनस्पति की चेतना अलग है, कीटक, मत्स्य, पक्षी, पशु, मानव, इधर आंतरिक प्रवास में साधु संत, ऋषि मुनि, महाराज, योगी, और ये इन सब की चेतना में फर्क है। सोल में कोई फर्क नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई काटछाट नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज। और इसीलिए देर इज ए डिफरेंस इन द प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। ये प्लेन के ऊपर में उसकी चेतना अलग है, इस प्लेन के अंदर में, प्लेन मतलब स्थिति, चेतना की जो स्थिति है इसके अंदर में उसकी चेतना अलग है, इस स्थिति में उसकी चेतना अलग है, इस स्थिति में अलग है, हर स्थिति के अंदर में उसकी चेतना जो है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। और इसीलिए देर इज ए डिफरेंस इन द प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, ये हमने देखा। और इसीलिए जितने भी सोल आत्मा है, इनका अनुभव अलग है, इनका अनुभव अलग है, इनका अनुभव अलग है, मानव का अनुभव अलग है, योगी का अनुभव अलग है, महायोगी, योगी, महात्मा, महायोगी, इन सब का अनुभव जो वो है वो अलग अलग है, किसी का अनुभव एक नहीं है। क्योंकि हम सब लोगों की अपनी चेतना का, हमारा जो स्टेटस जो है, जो स्थिति है वो अलग है। और इसीलिए बहुत सारे सोल जो है, जैसे देखो ये जितने भी सोल है इनको तो अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, पर ये मानव जो है
मानव स्थिति के अंदर में हमारी चेतना जो है वह हमको ये स्थूल शरीर होने के वजह से हमको स्थूल चेतना का हमको भास है। अधिकांश आत्माएं जो है मानव रूप में अधिकांश आत्माएं मानव ही है, इनको स्थूल शरीर की चेतना प्राप्त है। हमको मानव को स्थूल शरीर की चेतना, ये हमारा शरीर स्थूल है, इससे हम खाना पीना ये वो नौकरी पानी जितना भी वो सब हम लोग करते हैं, है कि नहीं। तो हमको इस स्थूल शरीर की ही हमको चेतना है, और हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व मतलब ये मेरा शरीर, हम यही सोचते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी है ये तीसरी भूमिका तक, पहला दूसरा और तीसरा ये भूमिका में जो योगी महात्मा या महायोगी है वो जो लोग हैं उन्हें प्राण सटल बॉडी की चेतना उनको प्राप्त है। ये हमारे इसमें भी वो सटल बॉडी है, पर हमको उस सटल बॉडी का ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, हमको ये स्थूल शरीर का अनुभव है। और यही हम लोगों को मालूम है कि इस स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर मतलब पीढ़ी पोफली है, पर इससे ऊपर जिनकी चेतना है इनकी चेतना कम है, मानव की चेतना फुल है, इनकी चेतना और एडवांस है, इनकी और एडवांस है, इनकी और एडवांस है, और ये चेतना पूरी है, संस्कार लेस है, शिवात्मा की, मैं परमात्मा हूँ की स्थिति की। और इसीलिए कुछ आत्माओं जो है उनको सटल बॉडी के द्वारा वो ये सटल यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं। योगी महात्मा है, उनको क्या लगता है कि ये अपना शटल शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है मतलब योगी, वो उनका भी यही अंदाजा है। कुछ आत्माएं जो है उनको मेंटल बॉडी की चेतना है, मेंटल बॉडी मतलब मन की चेतना है, मन ये जो है यहाँ पे जो है वली और पीर, ये पांचवी भूमिका और छठवीं भूमिका, इसके अंदर में जो साधु संत जो भी होंगे जिसको हम लोग संत बोलते हैं छठवें प्लेन पे, तो इन लोगों को उनको लगता है कि मैं मतलब मन, आई मीन्स माइंड, ये लोग बोलते हैं आई मीन्स सूक्ष्म शरीर, हम लोग बोलते हैं आई मीन्स ये हमारा स्थूल शरीर, हमारी आइडेंटिटी इससे होती है, इस शरीर से इनकी आइडेंटिटी अलग होती है, इनकी आइडेंटिटी अलग होती है, उनका अनुभव जो है वो अलग है। और इसीलिए हमको, हम लोगों को किसका अनुभव है, क्योंकि हमारा ये शरीर है स्थूल शरीर है, इसलिए हमारा जो अनुभव है वो सिर्फ स्थूल जगत का ही हमको अनुभव है। और स्थूल जगत कौन सा है, ये है स्थूल जगत, और जो यहां पे है यहां से चालू होता है 1 2 3 4, ये जो है इनको सूक्ष्म जगत का अनुभव है, जो मस्त लोग है आवर का आपने किसी देखे होंगे, मस्त लोग जो होते हैं उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता, वो ऐसे ही इधर उधर पड़े रहते हैं, दो दो तीन तीन चार चार महीना वो वहाँ से उठते भी नहीं है, ना उनको कोई किसी ने खाना खिला दिया, अब वो अपने इसमें मस्त है परमात्मा के प्रेम के अंदर में, उनको इसकी फिक्र भी नहीं, वो परमात्मा उनकी केयर करता है,
दो तीन महीने के बाद वो जागे होते हैं, कहीं जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, नहाते हैं तो नहाते हैं, नहीं तो अपना फिर से आके वो अपना उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। ऐसे ये जो है स्थूल जगत के अंदर में जो है इस सूक्ष्म जगत का अनुभव उनको प्राप्त होता है कुछ आत्माओं को, पर ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएँ जो है वो स्थूल जगत में हैं, उससे कम आत्माएँ सूक्ष्म जगत में हैं, और उससे कम आत्माएँ यहाँ पे है मनोजगत जिसको कारण जगत भी बोलते हैं। ये जो है तो इन लोगों को कारण जगत का अनुभव इन लोगों को प्राप्त है, बाकी नहीं है। आगे ये बाबा ने बताया कि ऐसा क्यों होता है कि इनको एक अनुभव, इनको एक अनुभव, इनका कॉन्शियसनेस अलग है, इनका अलग है, ये सिर्फ स्थूल जगत का अनुभव लेते, ये सूक्ष्म जगत का लेते, ये मनोजगत का लेते, ये अनुभव और कुछ, ऐसे क्यों होता है? उसका आंसर तो उन्होंने बाद में दिया है। और यहाँ के बाद में यहाँ परमात्मा की स्थिति है, और बहुत ही थोड़े जो आत्मे हैं उनको परमात्मा का अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्थूल जगत का अनुभव है, उससे कम लोगों को सूक्ष्म जगत, मनोजगत, और उसके बाद में ये सातवीं भूमि का, बहुत ही थोड़े ऐसे आत्मा हैं जिनको परमात्मा का अनुभव है, जो जिसको हम लोग शिवात्मा बोलते हैं या ब्रह्मीभूत बोलते हैं या और अनेक नाम उनको बताए जाते हैं, कुतुब और ये जो है वो हायर स्टेज वाले हैं। तो इसीलिए अधिकांश आत्माएं जो है, इसलिए बात होती है, अधिकांश आत्माएं जो है जो अन्न भूमिका पे है, अन्न भूमिका, ये जो स्थूल जगत है ये पूरा का पूरा जो है वो कौन सा है? अन्न भूमिका। अन्न भूमिका इसको क्यों कहा जाता है? अन्न भूमिका, प्राण भूमिका एंड मनोभूमिका। हमको अपने एग्जिस्टेंस के लिए हमको यहाँ पे खाना पीना ये वो सब करना पड़ता है, अन्न भूमिका में। यहाँ पे वो लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो भी उनको जो वहाँ पे जो प्राण है, जो एनर्जी जो है, उस एनर्जी के द्वारा उनकी ये बॉडी सस्टेन रहती है। और यहाँ पे इस वो जो यहाँ इस जगत में जो आत्मे हैं मनोजगत के आत्मे, वो उनका कार्य वो माइंड के द्वारा ही चलता है, मनोजगत है वो। उन्होंने अगर कुछ उनके मन में थॉट आया ऐसा होना चाहिए तो वैसा होता है, वो मनोजगत है वो। उनको अपने इसका और इसका कोई ये नहीं रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। और इसीलिए बहुत से थोड़ी ऐसे आत्माएं हैं जो विज्ञान भूमिका में रहते हैं, विज्ञान ये जो भूमिका है यहाँ की, ये कौन सी भूमिका है? हमने 9th चैप्टर में जब भी हम देखा तो डिटेल हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि यह विज्ञान भूमिका है परमात्मा की लास्ट से, ये 8वीं स्टेज है, अपन ने जहाँ देखा था यहाँ मैंने डायग्राम निकाला था अभी 8th स्टेज में। और इसीलिए हम लोग अपने सांस्कारिक बंधनों के वजह से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमारे संस्कार जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इनके संस्कार अलग है, इनके अलग है, इनके अलग है, मानव के अलग है, इनके संस्कार अलग है, ये सभी जितने भी हैं इनके सबके संस्कार अलग अलग है। और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में एक आदमी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि सबके संस्कार अलग है। और अगर किसी के संस्कार अगर एक जैसे दिखते हो चेहरा, तो समझना कि इसके संस्कार जो है वो आजू बाजू में मिल जाते हैं, इक्वल नहीं होते आजू बाजू में, नियर अबाउट। तो इसीलिए बहुत सारी आत्माएं, फिर भाव बोलते कि ये बहुत सारी जो आत्माएं जो है वो बंधन युक्त है, बंधन में है बहुत सारी आत्मा। बहुत सारी आत्माएं कौन सी बंधन में है? ये सब स्थूल जगत में जितने भी है ये सारे के सारे बंधन में है। हम संस्कारों से बंधे हुए हैं,
इसीलिए बाबा ने जो प्रार्थना दी है उसमें के किसी के भी एब्सेंस में उसकी निंदा मत करो, अगर करोगे तो क्या होता है उसके संस्कार तुम अपने ऊपर में लेते हो, आ बैल मुझे मार, ऐसी परिस्थिति होती है। किसी के भी बारे में अगर हम कुछ बोले उसके एब्सेंस में, अच्छा बोले तो ठीक है, बुरा अगर बोले तो उसके जितने संस्कार है वो तो आपने ले लिए, वो आपको भोगने पड़ते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना में लिखा है कि हमको आमाला पश्चाताप होता है, ये वाक्य बड़े जोर से और बड़े फोर्सफुली कहना चाहिए, आमाला पश्चाताप होता है, तब हमको मालूम पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया उसका। तो कभी ना कभी तरी किसी जन्म में हमको याद आएगा कि नहीं यार छोड़ो अभी काय के लिए किसी को करने का, अब चुपचाप बैठो। और इसीलिए अधिकांश आत्माएं जो है वह बंधन युक्त है, कुछ आत्माएं थोड़े बंधन है उनको, इनको मैंने बताया इनको बंधन उससे कम है, इसको उससे भी कम है, और यहाँ पे जो आत्मा है वो बंधन संस्कार लेस है, बंधन उनको कोई बंधन नहीं है। और इसीलिए जो मजूब है या जो ब्रह्मी भूत है या जो शिवात्मा है उनको अपने शरीर का भान नहीं है, पर उनको ये अनुभव है कि मैं अनंत हूँ, मुझे अनंत ज्ञान अनंत शक्ति और अनंत आनंद का उनको अनुभव है, पर अपने शरीर का अनुभव नहीं हूँ। थोड़ा समझने में कठिन है क्योंकि इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि पर फिर भी बाबा बोलते कि आप सुनो पढ़ो उसको, अगर ये होता है तो आप जरूर पढ़ना चाहिए जो भी लैंग्वेज हो। और इसीलिए बहुत सारे आत्माएं जो है वो बंधन युक्त होती है और बहुत सारी आत्माएं जो है वो बिल्कुल ही बंधन रहित हो जाती है। और इसीलिए विभिन्न चेतना, इसकी चेतना विभिन्न है सबकी, सबके अनुभव विभिन्न है और विभिन्न अवस्थाओं वाली ये सब आत्माएं सारी की सारी परमात्मा के अंदर में अंतर्गत है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक ये निकाला था डायग्राम और वो समझाया था, देखो ये सारा पूरा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ है, सब कुछ एवरीथिंग, क्योंकि गॉड मतलब क्या है, परमात्मा मतलब क्या है, इसका अगर किसी ने पूछा भाई व्हाट इज परमात्मा, तो वैसा उसका आंसर देना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए परमात्मा मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ मतलब परमात्मा, और उस सब कुछ के अंदर में नथिंग भी आ गया, अगर वो उसके सब कुछ से अगर नथिंग बाहर निकाल दिया जाए तो वो सब एवरीथिंग नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये परमात्मा मतलब सारी जितने भी देवी देवताएं हैं, जितना भी सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वनस्पति कीटक ये वो सब मानव है, ऋषि मुनि है, देवी देवता है, जो मैंने बताया पूरा साधु संत ऋषि मुनि महाराज और यहाँ पे जितने भी आत्माएं हैं, मजूब है, ये है वो है, सारे के सारे इंक्लूडिंग सदगुरु एंड अवतार जो पास्ट होके गए वो सब कुछ है, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर। मेहर बाबा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, सात से साल के बाद में और अवतार आएंगे, बराबर है कि नहीं, तो उस वक्त में उनका राज चलेगा, अभी मेहर बाबा उसके बाद में मेहर बाबा ये स्थिति में रहेंगे। राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट जितने भी है वो सारे के सारे एज ए इंडिविजुअल उनका अभी भी अस्तित्व है, राम का कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट ये वो, उसके बाद में मेहर बाबा ये सब कुछ, मतलब ये एंड दिस इज गॉड विच इज एवरीथिंग सब कुछ एवरीथिंग, इससे इसके बाहर कुछ नहीं है सिवा। और इसीलिए बोलता है सभी आत्माएं बोला है उन्होंने, सभी आत्माएं परमात्मा के अंतर्गत है और ये सब कुछ एक है, वन है, फिर से आत्माएं दो नहीं है, नो
दिखने में ऐसे लगता है कि दो है पर वो एक ही है। इस महासागर के अंदर में, इसके अंदर में सब कुछ है, एवरीथिंग है। और इसीलिए उनकी चेतना में, उनकी भूमिकाओं में और उनकी अवस्था में अंतर होने के वजह से हमें ये सारे के सारे जितने भी है वो अलग अलग लगते हैं। अल्टीमेटली वो यहाँ पे आए कि हमारा ये सबकी चेतना अलग है, सबकी भूमिकाएं अलग है, सब लोगों की अवस्थाएं जो है वो भी अलग है और इसीलिए इनके इसमें अंतर होता है। इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, सब इसमें अंतर, इनके फॉर्म अलग है, सब कुछ अलग है, देन है, सब कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार अलग है, उनके चेतना, उनकी चेतना जो है उसमें डिफरेंट है, उनकी भूमिका है, ये भूमिका पे, ये भूमिका, ये भूमिका, ये भूमिका, अलग अलग भूमिका पे है, पहली भूमिका, तीसरी भूमिका पे है। इसीलिए ये सारा का सारा हमें जो दिखाई पड़ता है उसका रीज़न है डिफरेंट कॉन्शियसनेस और हमारे संस्कार, अलग अलग संस्कार। आज का यह वार्ता, यह लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम इसके आगे फिर हम लोग और चलेंगे और ये बताएंगे कि स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की विविध अवस्थाएं, इसके ऊपर में ये पहला चैप्टर है, ये अभी थोड़ा हो गया, आधा आधा हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, उसको बंद कर दो।